नमस्कार दोस्तों, आज अपने निफ्टी फिफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो निफ्टी फिफ्टी का डेली चार्ट इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए अप मोमेंट दे रहा है, और इधर आप देख सकते हैं कि इधर इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंट है। अगर कल मार्केट 18,887 ब्रेक करके 18,900 के ऊपर निकलता है तो ये रेजिस्टेंट क्रॉस हो जाएगा, मतलब ये रेजिस्टेंट ब्रेक हो जाएगा। अगर मार्केट कल नीचे अगर आता है तो इस ट्रेंड लाइन से वो सपोर्ट लेगा, अगर उसको भी ब्रेक करता है समझो तो मार्केट इतने तक आ सकता है। ये हुई डेली चार्ट एनालिसिस की बात का एनालिसिस। अभी अपने देखते हैं 50 मिनट का चार्ट। ये है निफ्टी 50 का 50 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने इधर से सपोर्ट लिया और ये उसका रेजिस्टेंट है। अगर कल मार्केट इधर ओपन होता है फ्लैट और इधर कंटिन्यूस मोमेंट बनाता है फिर ये ब्रेक करता है तो ये मार्केट इतने तक जा सकता है 18,887 तक। अगर मार्केट समझो कि ये ब्रेक करता है तो मार्केट इस इधर आ सकता है और उसके बाद इधर आ सकता है, मतलब 8,800 तक ये आ सकता है। तो कल देखते हैं कि मार्केट कैसे ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है और किस तरह उसको बाइंग या सेलिंग की जा सकती है। ये ऑप्शन चेन का एनालिसिस। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पुट ओआई कहाँ पे खड़ी है, तो पुट ओआई सबसे ज़्यादा 18,800 पे, और कॉल ओआई कहाँ पे खड़ी है तो 19,000 पे सबसे ज़्यादा है। तो निफ्टी की बात की जाए ऐसे तो 18,800 से लेकर 19,000 तक की हो सकती है, और पीसीआर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पीसीआर 1.18 है जो पॉजिटिव साइन है। तो अभी अपने चले जाते हैं चार्ट पे। अभी चार्ट अपने देखते हैं। चार्ट में आप देख सकते हैं अगर मार्केट कल इधर ओपन हुआ है 18,866 पे, उसको ब्रेक करता है या उसको ब्रेक करके वापस नीचे आता है तो ये 18,842 तक, उसके बाद 18,767 तक आ सकता है। अगर मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो वो 18,950 तक जाएगा, और उसके बाद ये 18,997 तक जा सकता है। अगर समझो कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन, और वो 18,767 पे हुआ तो वहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं 18,866 के लिए। अगर उसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो ये मार्केट 18,718 तक जा सकता है, और उसके बाद 18,636 तक भी जा सकता है। तो कल देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है, उसके मुताबिक आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और कल निफ्टी की रेंज की बात की जाए, निफ्टी की रेंज होगी 18,950 से 18,784, मतलब ये उसकी रेंज रहने वाली है कल। ये था निफ्टी का एनालिसिस। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी अपने देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए डेली चार्ट में कंटिन्यूस ट्रेंड अप ट्रेंड दिया है, और इधर आके उसने इस रेंज में आ गई है निफ्टी में, ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंट ले रही है। आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट में
बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। अभी अपने बैंक निफ्टी का 50 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं। ये है बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए अप मूवमेंट दिया है और ये उसका रेजिस्टेंट है। अगर मानो कि कल निफ्टी गैप अप हुआ और 44,000 पे ओपन होता है तो इधर उसका रेजिस्टेंट है, तो इधर से वो फिर वापस नीचे तक आ सकता है। अगर मानोगे निफ्टी इस लाइन से ओपन होता है और इधर से सपोर्ट लेके अप मूवमेंट देता है तो ये इतने तक जा सकता है 43,950 तक। अगर ये ब्रेक करता है तो निफ्टी 43,720 तक आ सकता है, और उसको भी ब्रेक करता है, मान लो कि ज़्यादा बेरिश हो गया है, तो इतने तक आ सकता है 43,600 या 43,500 तक। अभी अपने पहले देखते हैं निफ्टी हुआ। ये है बैंक निफ्टी का OI एनालिसिस, बैंक निफ्टी का OI एनालिसिस। अब उसमें देख सकते हैं कि उनका PCR 0.95 है जो नेगेटिव है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 43,900 पे हुई, और आप देख सकते हैं ये कॉल हुआ ये और ये पुट हुआ ये जो 43,400 पे सबसे ज़्यादा है। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट देखा जाए सपोर्ट 43,400 और रेजिस्टेंट देखा जाए तो 43,900। बैंक निफ्टी का OI एनालिसिस। अभी अपने चले जाते हैं फिर से चार्ट में। यह बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट, उसमें इस ट्रेंड लाइन से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। तो अपने देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन होगा, तो कैसे बाइंग की जाएगी इसके बारे में जानते हैं। अगर समझो कि बैंक निफ्टी कल ओपन 43,898 पे हुई और वहाँ कंसोलेशन करके फिर ये ब्रेक करता है तो ये 44,029 तक जाएगी। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 44,249 तक जा सकती है। अगर समझो कि ये 43,898 पे ओपन हुआ और इधर कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेक करता है तो ये 43,635 तक आ सकती है, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 43,500 तक आ सकती है। समझो कि कल ये गैप डाउन ओपन होता है 43,635, अगर उस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट की तरह 15-20 मिनट निकालता है तो आप बाइंग कर सकते हैं 43,898 के लिए। अगर ये ओपन 43,635 पे हुआ और उसको ब्रेक करता है तो ये 43,500 तक जा सकता है, और उसको ब्रेक करने के बाद ये 43,284 तक जा सकता है। तो यही हुआ बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आप ऐसे ही एनालिसिस के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।